बेमतलब की इस दुनिया में वही हमारी शान है, किसी शख्स के वजूद की पिता ही पहली पहचान है। ऐसा ही रिश्ता होता है एक पिता और बेटी का, वो लड़ती है झगड़ते हैं मगर उनमें प्यार भी उतना ही होता है। इसीलिए बेटी की शादी के समय सबसे पहले एक पिता की आंखों से पानी छलकता है, जिसे सीने से लगाया, जिसे चलना सिखाया, वही बेटी आज पराई होने का दर्द एक पिता ही बता पाता है। ऐसे ही किस्से और पिता बेटी की कहानी लेकर इस स्टार्टर्स डे आ रहा है BCN। पापा और बेटी के रिश्ते से इस बार इस डॉटर्स डे हम लोग BCN की ओर से मिला रहे हैं ऐसे ही कुछ अच्छे अनोखे पल, खट्टी मीठी यादों से पापा और बेटी के जो होते हैं उनसे आपको इस BCN के मौके पर हम आपको रूबरू करा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम हमारे महापौर नागपुर के जो प्रथम नागरिक होते हैं दयाशंकर तिवारी जी, इनसे बात करेंगे उनकी बेटी के बारे में, वो क्या कहते हैं, उनका और उनका बेटी का बॉन्ड कैसा है इस बारे में जानेंगे। नमस्ते। बेटी हर पिता और माता को सबसे प्रिय होती है और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस सृष्टि की अनुपम भेंट जो है वो बेटी है। मुझे दो संतान हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। मैंने बेटे का नाम अथ रखा है, अथ का मतलब होता है शुरुआत, और बेटी का नाम इति रखा है कि अब इसके बाद किसी दूसरी चीज़ की आवश्यकता नहीं करके। नाम में ही यह प्रदर्शित हो जाता है कि बेटी अगर प्राप्त हो गई तो उसके बाद और कोई चाहत नहीं रह जाती, कारण बेटी बेटे की अपेक्षा ज़्यादा अपने माता पिता का ध्यान रखती है। आप देखिए कि अगर पिता विलंब से घर आ रहे हैं तो बेटे का फ़ोन नहीं आएगा, लेकिन बेटी का फ़ोन आता है घर के। बेटा उसको नॉर्मल ले लेगा कि पापा का तो रूटीन है, लेकिन बेटी उसको नॉर्मल नहीं लेती, वो उत्सुकता से राह देखती है कि पिताजी घर कब आ रहे हैं करके। और बचपन से ही बेटियां जो होती हो बेटों के लिए, पिता के लिए बेटों की अपेक्षा ज़्यादा प्रिय इस दृष्टि से भी होती है कि शरारतें और नटखटपन ये बेटियों में बेटों की अपेक्षा कम होता है करके। और जहाँ तक मेरी बिटिया की बात है तो वो अंतर्मुखी बहुत है, एक्सपोजर उसको कम मिलता है, उसके स्वभाव में नहीं है कि अपने किए हुए को प्रदर्शित करना, जबकि आज के युग में बगैर प्रदर्शन के कुछ भी नहीं होता। लेकिन बहुत मिलनसार स्वभाव की है, लोगों में हिल मिल जाती है, जहाँ जाती है उन्हें अपना बनाने का कोशिश करती है। चेस बहुत अच्छा खेलती है, नागपुर यूनिवर्सिटी भी उसने रिप्रेजेंट किया है, अपने कॉलेज की चेस टीम की कैप्टन रही है और नेशनल प्लेयर के साथ में मिलकर के उसने खेला है, इस प्रकार से अपने खेल में वो पारंगत रही है। शिक्षा के प्रति बहुत समर्पित है वो जो कुछ करती है उसे पूर्णता प्रदान करने की दृष्टि से काम करती है, इसलिए समर्पण के साथ में अपनी पढ़ाई करती है। और खाने पीने की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो बहुत चूजी है वो, उसे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है और चटपटा खाने की शौकीन है वो। और विशेष रूप से ये देखा जाता है कि किचन में बेटियों की उपस्थिति कितनी होती है करके। एक उम्र के बाद हर माँ बाप को ऐसा लगता है कि बेटी ने किचन में जाकर के काम करना चाहिए, लेकिन इस बिटिया को हमने कभी ये नहीं कहा कि तुझे किचन में जाके काम करना है, अपनी इच्छा से उसको जो सुविधा लगती है वो बना लेती है, वो खिला देती है। और नैसर्गिक है कि अगर बेटी ने कुछ बनाया तो अच्छा ही बनता है। इस दृष्टि से एक अच्छे वातावरण में हम लोग जीवन जी रहे हैं। एक बात का मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसी त्रासदियाँ होती हैं जिस त्रासदियों से उभर करके आना बहुत तकलीफ का काम होता है। मेरे जीवन में भी वह त्रासदी हुई, मेरी किडनी के कारण मेरी पत्नी का देहांत हो गया, उस समय बहुत छोटी थी, इसे तो यह भी नहीं समझता था कि मेरी माँ का देहांत हुआ है करके। उस स्थिति से इसको बाहर लाना
एक बहुत मुश्किल काम था, कारण नैसर्गिक रूप से पिता से ज़्यादा बच्ची की बॉन्डिंग माँ से होती है, और उसका बिछड़ना इससे बहुत दिन यह मानसिक रूप से यह भी परेशान रही होगी। और जैसे जैसे उम्र गुजरी वैसे वैसे धीरे धीरे समझ बढ़ती गई, और नैसर्गिक रूप से उस अवस्था में तो हमारा संयुक्त परिवार है, और संयुक्त परिवार होने के कारण उसका बहुत बड़ा फायदा इसमें मिला। और मेरी जो माताजी है, वो माताजी ही इसके लिए माँ की भूमिका में थी, ये कहने में किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं। और इसका लालन पालन, देख रेख, उसकी खुशी, उसका गुस्सा, वो मुझसे तो कभी गुस्सा नहीं हुई, गुस्सा हुई भी होगी तो अपने दादी से ही ज़्यादा गुस्सा हुई है। उसने झगड़ा किया भी होगा तो दादी से ही किया होगा। मुझसे गुस्सा एक ही चीज़ पर होती है कि मुझे डायबिटीज़ है, मैं अगर समय पे दवाई न लूँ, या कभी उसने मेरा शर्ट चेक किया और जेब में टेबलेट दिख गई तो कहती है कि भाई टेबलेट रखने के लिए है या तो एक जितना ध्यान देना चाहिए वो पूरा ध्यान देती है, मुझ पर भी ध्यान देती है। वो बहुत पंक्चुअल है, अपने हर काम में पंक्चुअल है। मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स अगर चाहिए तो मेरे पास नहीं मिलेंगे, लेकिन मैंने फ़ोन करके भी कहा इतनी बेटे ये कागज़ चाहिए तो तुरंत निकाल करके दे देगी करके। और केवल मेरा नहीं, परिवार का किसी का भी डॉक्यूमेंटेशन हो तो उसको सलीके से रखना, सहेज करके रखना, एक जगह रखना, ये सब उसके स्वभाव में है, जिससे ऐसा लगता है कि बहुत डिसिप्लिन जीने वाली है। और वैसा उसका स्वभाव भी है, एक निश्चित दिशा उसने तय की, उस दिशा में आगे बढ़ रही है। टीचिंग उसका पेशन है, वो अभी नित्यानंद विद्यालय में जूनियर कॉलेज में पढ़ा रही है, एमए लिटरेचर में उसने किया है। एक दिन गुस्सा आया था मुझे उसके ऊपर, जब मैं उसका एडमिशन कराने के लिए एलईडी कॉलेज में गया, उसकी इच्छा थी कि वो एमए इंग्लिश लिटरेचर करें, इसलिए मैं उसका बीए में एडमिशन कराने के लिए एलईडी कॉलेज गया। एलईडी कॉलेज में फॉर्म भर रही थी, फॉर्म भरते समय उसने अपने सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट लिखते समय उसने मुझसे चर्चा की, चर्चा में उसने हिस्ट्री भी लिखा, उसने पॉलिटिकल साइंस भी लिखा, उसने इकोनॉमिक्स भी लिखा। अब बात आती थी लैंग्वेज की, अब लैंग्वेज लिखते समय एक सब्जेक्ट उसने लिटरेचर लिया था, एक कंपलसरी इंग्लिश था ही, अब उसकी चॉइस थी हिंदी लेना या मराठी लेना, तो उसने उस चॉइस में भी हिंदी नहीं लिया, इंग्लिश उसने इंग्लिश ही लिया। अब मुझे ये लगता था कि वो दयाशंकर तिवारी जो पूरे शहर को हिंदी सुनाता है, हिंदी सिखाता है, उसकी बेटी ने हिंदी लेना भी पसंद नहीं किया करके। उस समय गुस्सा ज़रूर आया था, लेकिन एक पिता की जवाबदारी है और जवाबदेही भी है कि जो बच्चों को पसंद है उसकी पसंद के अनुरूप ही उसे अपनी पसंद ढाल लेना। वो क्षणिक मुझे लगा कि यार ये हिंदी लेती तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन उसने हिंदी नहीं ली तो उसको भी मैंने पॉजिटिव लिया, इंग्लिश ली, उसने इंग्लिश में अच्छा किया है। अभी उसका एमए लिटरेचर हो गया है, नेट सेट की परीक्षा तैयारी कर रही थी, सेट क्लियर कर लिया है। सेट क्लियर करने के बाद मैं अभी परसों ही इसका एलईडी कॉलेज में इंटरव्यू हुआ, उसमें इसका वहाँ जो क्लॉकवाइज कॉन्ट्रीब्यूटरी है उसके लिए इसका सीनियर कॉलेज के लिए सिलेक्शन भी हो गया, और अभी ये पीएचडी की तैयारी कर रही है। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी इसकी पीएचडी भी हो जाएगी। सर, जैसे कहा आपने कि बेटियां एक टाइम आपकी माँ बन जाती है, मतलब चीज ऐसे करना है, डिसिप्लिन में रहो, ये चीज करो, टारगेट खाइए, मतलब एक माँ की तरह ही हमेशा आपको ट्रीट करती है और बेटी की तरह ट्रीट करती है और हमेशा आपका पूरा ख्याल रखती है। अब इसी बेटी के बारे में कुछ सवाल पूछूंगी सर मैं आपको, उसको सबसे पहला सवाल आप कि आपकी बेटी का फेवरेट कलर है। बेटी को डार्क कलर ज़्यादा पसंद है, जो भी डार्क कलर होते हैं उसे वो ज़्यादा पसंद करती है, उसमें भी जो ग्रीन कलर है डार्क वो ज़्यादा पसंद है उसको। आपने बोला था कि आपकी बेटी को मतलब टेस्टी चीज़ें खाने का बहुत शौक है, इन टेस्टी चीज़ों में भी सबसे ज़्यादा फेवरेट वाली चीज़ उसकी कौन सी है? जो मैं मना करता हूँ वो उसकी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ने फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, लेकिन फास्ट फूड में मैगी खाती है, नूडल्स खाती है, मुझे लगता है कि शरीर की दृष्टि से
मैदा नहीं खाना चाहिए। सर एक और सवाल था, अगर बच्चे बहुत हैं तो आपकी बेटी को ऐसी कौन सी मूवी है जो बहुत अच्छी लगती है? ये बिटिया मेरी बड़ी विचित्र है, इसको फिल्मों में ज्यादा आनंद नहीं आता, ये लिटरेचर की बुक्स पढ़ने में अपने आप को ज्यादा खुश नसीब महसूस करती है, ये मूवी नहीं के बराबर देखती है। तो अगर हम किसी बुक की बात करें जो इन्हें बहुत पसंद है, और या फिर किसी कवि की बात करें जिनकी लिखी हुई बुक्स इन्हें बहुत पसंद है, तो उसके बारे में? नेचुरली ये लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित विद्यार्थी होने के कारण मेरे बुक बैंक की पुस्तकें तो ये नहीं के बराबर पढ़ती हैं। हाँ, मेरे कहने पर इसने स्वामी जी के चरित्र को पढ़ा है, विवेकानंद जी को पढ़ा है, कारण मुझे ऐसा लगता है कि अपना जीवन निर्वाह करने वाले हर व्यक्ति ने एक बार विवेकानंद को पढ़ना चाहिए, तो उसका जीवन निर्माण करने में उसको बहुत अच्छी सुविधा मिलती है, सुरक्षा मिलती है और एक दिशा मिलती है, इसलिए मैं ये कहता हूँ। सवाल आपसे कि अभी जितने भी सवाल पापा से किए, कितने सही थे, कितने गलत थे? बहुत से सवाल जो किए आपने उसका जवाब सही था। इनफैक्ट मैं कुछ एडप्ट करना चाहूंगी। जैसे अभी कोविड टाइम था, तो जैसे सब लोगों को पता है कि बीइंग अ सोशल पर्सन बाहर आना जाना बहुत रहता है, तो मेरा सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन था कि मास्क पहना है कि नहीं पहना, मतलब बाहर जा रहे हैं तो फोटो सेशन होते हैं, तो फोटो सेशन में भी अगर मेरे को विदाउट मास्क दिखे तो मैं तुरंत उस दिन तुरंत टोकती थी कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना था आज। और घर पे कोविड हुआ था, दादी को टिफिन देने जाते थे, तो मेरा मतलब मैं हेल्थ के लिए को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ, क्योंकि हेल्थ जो है सबसे पहले वही हो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब अच्छे रहूँगी, अच्छे मतलब तबीयत अच्छी रहेंगी तो आप सोशली अच्छा काम कर पाएंगे। तो मेरी सिर्फ एक ही शिकायत रहती थी हमेशा, मेरे को कोई नहीं कि मेरे को यहाँ घुमाने नहीं ले गए, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को बस टाइम पे मतलब हेल्थ जो है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और रही बात मैगी और जंक फूड की, ये जो बात है, ये जब पढ़ाई का टाइम होता है, जो जब अपन पढ़ते हैं रात को जगते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अपन कुछ बनाने जाओ तो टाइम अपना ज़्यादा डिवोट होता है, तो मतलब कम टाइम में कम चीज़, उसके लिए मैगी प्रेफर करती थी। बट कुछ मेरे को टाइफाइड हुआ, कुछ हेल्थ इशू हुए थे, तो तब से मैंने उसके जगह ओट सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो मैं डेवलप करना चाहती हूँ, मेरे को ये सब जंक फूड मैं भी अवॉइड करना चाहती हूँ, लेकिन जब रात को जग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम डिवोट खाना बनाने में ना जाए, इसलिए जंक फूड देते थे। लेकिन जब से सब्स्टिट्यूट उसके जगह और ऑप्शन आए, हॉस्टल लाइफ में गए, तो तब से पता चला कि नहीं, अब मेरा है वंस इन अ मंथ अगर मैं मैगी खा ली तो बहुत, नहीं तो मेरा हर दो तीन दिन में मैगी खाना था ही मतलब। ओके, जिस तरीके से बहुत बार बोला जाता है कि पापा की सबसे ज़्यादा फेवरेट बेटी होती है और उनकी ऑलमोस्ट हर विश जो है पापा पूरी कर देते हैं, पर बार बार ऐसे होते हैं कि गलत विश हम कर लेते हैं और वो बाद में पापा पूरी नहीं करते, तो कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कोई ऐसा मोमेंट कि आपने आपके पापा को कोई चीज़ डिमांड की हो और उन्होंने कंप्लीट नहीं की? कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ऐसा कुछ डिमांड की होंगी और वो पूरी नहीं हुई है, बिकॉज जब मैं जो मांगती हूँ भले उस टाइम तुरंत ना मिले मेरे को, कुछ चीज़ में ऑक्यूपाई होंगे, लेकिन मेरे को कुछ समय बाद वो ला के देते ही है। बहुत बार ऐसा होता है कि पापा और बेटी का जो रिश्ता है वो बहुत सारा फनी वाला होता है, ऐसा होता है खट्टा मीठा रिश्ता होता है, कभी बहुत ज़्यादा झगड़ लेते हैं किसी बात को लेके, कभी बहुत बार मस्ती कर लेते हैं किसी टॉपिक को लेके, तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप फनी वाला या फिर कोई भी इंसिडेंट जो आपको लगता है कि आज BCN पर आपको शेयर करना चाहिए उसके बारे में? ऐसा कुछ मेरे को अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है। आपसे यही सवाल किया कि कोई ऐसा फनी इंसिडेंट आपकी बेटी के साथ, कोई इमोशनल वाला ऐसा कोई इंसिडेंट जो आप BCN के थ्रू शेयर करना चाहते हैं उस बारे में? देखिए, मेरा आपको पहले ही बताया, मेरा संयुक्त परिवार है,
और संयुक्त परिवार में ऐसे जो मोमेंट होते हैं जो सबसे फनी हो, वो ऐसे ही होते हैं जो परिवार का अचीवमेंट हो। मुझे अच्छे से याद है कि मेरा बेटा जो है वह भी वक्तृत्व कला में बहुत पारंगत है। एक स्पर्धा, राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा थी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने उसको स्पॉन्सर किया था और फेडरल बैंक ने उस स्पर्धा का आयोजन किया था। और उस स्पर्धा का स्वरूप भी बड़ा विचित्र सा था, डिबेट थी लेकिन सब्जेक्ट नहीं बताया था। सब्जेक्ट वो समय पर बताएंगे और सब्जेक्ट समय पर बताने के बाद आपको फॉर द मोशन बोलना है या अगेंस्ट द मोशन बोलना है जब आप स्टेज पर चढ़ेंगे उसके बाद बताएंगे। इतनी टफ कंपटीशन, वो भी लोकल, लोकल से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से रीजन, रीजन के बाद में स्टेट और उसके बाद में फाइनल राउंड। ये सारा सिलेक्शन करता हुए बेटा चला गया और इसका फाइनल राउंड बॉम्बे में था। बॉम्बे में बांद्रा में होटल ताज में वो स्पर्धा थी, उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि स्पर्धा का स्तर क्या रहा होगा करके। उस स्पर्धा में बेस्ट ओरेटर का अवार्ड लेकर के जब बेटा आया तो शायद रेलवे स्टेशन के ऊपर में पूरा परिवार जब जमा था तो सबसे ज़्यादा खुश कोई रही होगी तो मेरी बिटिया रही होगी, कारण जिस प्रकार से इसने आलिंगन अपने भाई का किया उसको मैं महसूस कर सकता हूँ, मैंने मेरे आंखों से वो क्षण को देखा है, इसलिए सबसे ज़्यादा आह्लादित हो रही होगी। जिस दिन उसके पापा महापौर बने ना, उससे भी ज़्यादा खुशी उसको भाई के उस जीत पर हुई होगी, ऐसा मुझे लगता है। वैसे तो किसी भी पिता को बेटी में कोई भी कमी नहीं दिखती, पर बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कमियां होती है, कुछ अच्छी चीजें होती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी बेटी में सबसे अच्छी चीज जो आपको लगती है और सबसे इरिटेटिंग चीज जो आपको लगती है। मेरी बेटी पंक्चुअल है, ये उसकी सबसे अच्छी चीज है। वो डिसिप्लिन्ड है, ये उससे भी अच्छी चीज है। और बेटी की और भी अच्छी चीज़ अगर मैं बताऊं तो जो उसे पसंद नहीं है, जो उसने बताया कि हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए, यानी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, मैं मास्क नहीं लगा सकता और ऐसे समय मेरे पास में दो लोग बैठे हैं, उन्होंने अगर मास्क नहीं लगाया ना तो तुरंत फ़ोन करके बताती है आपके बाजू वालों ने मास्क क्यों नहीं लगाया था करके, आप बोल रहे थे वो क्या कर रहे थे। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि मेरे सामाजिक जीवन में मैं मेरे पड़ोसी को बोलूं कि मैं बगैर मास्क हूँ तू मास्क लगा तो मेरे लिए भी बड़ा ऑकवर्ड होता है। लेकिन खुशी भी होती है कि हम बाहर रहने के बाद भी परिवार में कोई तो है जो इतनी सजगता से मेरे स्वास्थ्य के लिए मेरे बारे में विचार कर रहा है करके। और जो चीज़ मुझे बेटी की कमजोरी लगती है वो यही है कि मैं रात भर बच्ची पढ़ाई करती है, रात भर बच्ची पढ़ाई करती है। मैं कहता हूँ कि बेटा दिन में पढ़ लिया कर, बेटा दिन में पढ़ लिया कर। कारण मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि रात में पढ़ाई करने के कारण शरीर में एसिड कल्चर बढ़ता है, जिस एसिड कल्चर से कहीं ना कहीं परेशानी परीक्षा के समय हो सकती है करके। लेकिन वो उसकी हैबिचुअल है, उसको एसिड कल्चर नहीं पड़ता है, उसने उस दृष्टि से अपने को मैनेज कर लिया है। लेकिन उसकी वही एक चीज़ की बेटा रात भर क्यों परेशान होती है, दिन में पढ़ाई कर लिया कर, फिर इतना ही बुरा लगता था। लेकिन एक क्षण भर में व्यक्ति सोचता है कि दयाशंकर हंसापुरी में रहते हो, दिन भर गाड़ियों की इतनी चहचहाट होती है, इतनी चिल्लाहट होती है, इतनी आवाज़ होती है, इसलिए शायद वो साइलेंट के लिए रात में पढ़ती होगी करके अपने आप में उत्तर भी मिल जाता था। दूसरा कोई उसने ऐसा मौका ही नहीं दिया जिस पर मैं उससे चिढ़ूँ करके। कारण मैंने पहले बताया कि जो व्यक्ति पंक्चुअल नहीं होता, जो डिसिप्लिन नहीं होता, उस पर गुस्सा ज़्यादा आता है। अगर कोई पंक्चुअल है तो नैसर्गिक है कि उसकी गलती को भी आप ये समझ सकते हैं कि ये उसने नहीं किया अनजाने में होगी करके। कारण पंक्चुअल व्यक्ति पर गुस्सा, मुझे लगता है कि जीवन में जो भी पंक्चुअल है उस पर किसी को भी गुस्सा नहीं आता होगा, कारण उसके पंक्चुअलिटी से ही लोग उसके मुरीद हो जाते हैं और वो बिटिया में है मेरे। सर वैसे तो समाज में बहुत लोग अभी भी एक सेक्शन ऐसा है जो ये सोचता है कि लड़कियां पूंछ है। इस डॉटर्स डे जितने भी लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां बोझ है, उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? बेटी ही इस देश का भविष्य है, मैं इसलिए सहजता से कह सकता हूं कि
मैं जब स्थायी समिति का अध्यक्ष था तो इस हमारी बेटियों की भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, इस दृष्टि से महानगर पालिका के बजट में मैंने एक लाडली लक्ष्मी योजना बनाया था और उसका आधार मैंने यही रखा था कि बेटी ये बोझ नहीं, बेटी ये लखपति है करके। और बेटी जिस दिन 21 वर्ष की होगी उस दिन उसे 1,25,00,000 रुपये मिलेगा, इस प्रकार से नियोजन किया था कि गरीब के परिवार में बेटी बोझ नहीं लगना चाहिए, बेटी उसको एक उपलब्धि लगना चाहिए करके। अब देखिए, जीवन का कोई भी क्षण है, चाहे सबसे खुशी का हो चाहे सबसे गम का हो, आपके साथ आपके सबसे नज़दीक अगर कोई खड़ी रहती है तो बेटी ही होती है। बेटी दो परिवारों को साथ में लेकर चलने वाली होती है। मैं तो साहित्यिक जगत में जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नर जो शब्द है ना, इस नर शब्द में ना नर में मात्रा लगी है ना र में मात्रा लगी है, ना न में मात्रा लगी है ना र में मात्रा लगी है। लेकिन जहाँ नर से नारी हो जाता है तो ना में भी मात्रा लगी हुई है और री में भी मात्रा लगी हुई है। इसलिए शब्द विज्ञान भी हमें यह बताता है कि इस सृष्टि में पुरुषों से भी सशक्त अगर कोई है तो नारी ही है करके। और भारतीय परिपाटी में तो महिलाओं को विशेष महत्व है। ये बात अलग है कि बीच के कालखंड में महिलाओं के प्रति देखने का दृष्टिकोण कुछ है हो गया था, लेकिन ये समाज का नहीं था, ये व्यक्तिगत विषय होता है। बेटी यह समाज की सबसे बड़ी पूंजी है और बेटी का संरक्षण ये समाज का दायित्व तो है। बेटी अगर समृद्ध होगी तो समाज समृद्ध होगा, परिवार समृद्ध होगा। कारण बेटा जो है ये कहीं ना कहीं ऑफिस जाने के बाद परिवार को भूल जाएगा, लेकिन बेटी जो है ये जहाँ भी रहे उसकी पहली निगाह परिवार पर रहेगी, परिवार के सज्जनों पर रहेगी। संयुक्त रूप से निर्णय लेने वाली जितनी परिपाटियाँ हैं वे सारी के सारी बेटी में होती हैं। और मैं तो बहुत गर्व से कहता हूँ कि मैं आज महापौर हूँ। मैं स्वागत करने के लिए जाता हूँ जब बच्चे मेरिट में आते हैं, तो चाहे SSC का रिजल्ट हो चाहे हायर सेकेंडरी का, चाहे इंजीनियरिंग का रिजल्ट हो चाहे लॉ का, चाहे JEE का रिजल्ट हो चाहे PMT का। जब आप अखबार देखते हैं ना तो आपको बेटियां ही बेटियां दिखाई देती हैं। तो इसलिए जो सामर्थ्य बेटियों में कर गुजरने का है वो सामर्थ्य दूसरों में नहीं है। मैं अगर संक्षिप्त में कहना चाहूँ तो आप अंतरिक्ष में जाने वालों का नाम गिनाते हैं ना, तो किसी एक समय में राकेश शर्मा गया था हम ये गिनाते हैं, लेकिन वहीं बेटियों के बारे में गिनते हैं तो हमारे सामने 2-3 नाम एक साथ निकल जाते हैं करके। हम क्रीड़ा के क्षेत्र में भी देखते हैं, हम ओलंपिक में गए तो आप देखो शुरुआत बेटी ने करी और बेटियों ने ही सबसे ज़्यादा मेडल लाए। इसलिए बेटियां जीवन में कहीं भी किसी भी जगह पीछे नहीं है। इसलिए बेटियों को प्रोत्साहित करना नितांत आवश्यकता है। नेतृत्व का सामर्थ्य जितना बेटियों में होता है उतना बेटों में नहीं होता। और अगर सामान्य तौर पर कहना चाहूँ तो महिला होती है जिसके सामने हम श्रीमती शब्द लगाते हैं। श्री का अर्थ लक्ष्मी होता है और मति का अर्थ बुद्धि होता है। श्रीमती का मतलब ये होता है कि जो लक्ष्मी भी है और जिसमें सरस्वती का चातुर्य भी है करके। और किसी भी जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए बुद्धि लगती है और लक्ष्मी लगती है, और इसके बाद तीसरी ताकत लगती है, और ताकत भी हम तो दुर्गा के रूप में देखते हैं ना। ये सारा सामर्थ्य ईश्वर ने लक्ष्मी सरस्वती और शक्ति के रूप में दुर्गा, ये तीनों इंडियन मैथोलॉजी में जो महिलाओं के रूप में दिखाए हैं उसका कारण ही यह है कि समाज तीन ही चीज़ों से बना है। किसी भी सामर्थ्य को हासिल करना है तो आपके लिए सबसे पहले युक्ति की आवश्यकता है, बुद्धि की। लक्ष्य को प्राप्त करना है तो लक्ष्मी की आवश्यकता है। आपके पास बुद्धि भी है और लक्ष्मी भी है तो हिम्मत की भी आवश्यकता है, ताकत की। इसलिए ये तीनों चीज़ें जो इस सृष्टि के निर्माण की आधारशिला है, तीनों में हमने कहीं ना कहीं बेटियों को ही स्थापित किया है। यह परिलक्षित करते हैं कि बेटियां ही सर्वस्व है। और हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं ना, ये पृथ्वी भी तो स्त्रीलिंग शब्द है। सर,
बहुत बार ऐसी चीजें होती है, वैसे तो हम अपनी बेटियों को सारी चीजें बोल देते हैं, बट कुछ एक ऐसी स्पेशल चीज जो आज आप BCN के थ्रू डॉटर्स डे पर आपकी बेटी को कहना चाहते हैं। मैं अपने बेटी के माध्यम से इस शहर की सभी बेटियों से कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय का वातावरण बहुत खराब है और आज के वातावरण में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इंटरनेट ने हर चीज़ में प्रवेश कर लिया है और इंटरनेट ने प्रवेश करने के बाद बहुत सारे ऐसे वाकये हो जाते हैं कि आप उसे परिवार से शेयर नहीं कर सकते हो और आप किसी तकलीफ में आ जाते हो। मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की गलती के कारण, इस इंटरनेट के कारण या सोशल मीडिया के कारण कहीं भी तकलीफ में आ रहे हो, तो पहले क्षण आपने अपने परिवार को बता देना चाहिए, कारण कोई दूसरा व्यक्ति आपको किसी एक गलती के कारण शोषित करे और आप परिवार को पता चल जाएगा तो क्या होगा, यह कहकर के अगर आप उसको लुप्त कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने शोषण की शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए जिंदा दिल रहे, सजग रहे, आप अपनी खूबियां जितने अच्छे तरीके से परिवार को बताते हैं ना, आपकी गलती को भी आप वैसा शेयर कीजिए, कारण आपकी गलती में आपके साथ अगर कोई खड़ा रहेगा तो आपके परिवार का सदस्य ही रहेगा। और दूसरी बात, ध्यान रखें, अगर गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करें लेकिन दोहराए नहीं, और गलती तो सीखने के लिए होती है ना, और जो गलतियों से सीखता है ना वही जीवन में आगे बढ़ता है करके, और स्वतंत्र होकर के विचार करें और आपके मन में जो भी भाव है, जो भी भाव है वो स्वतंत्रता से अपने माता पिता से कहें, आप जो बनना चाहते हैं उस लक्ष्य को माता पिता के सामने रखें और कोशिश करें। एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि बेटा हो या बेटी, उसके मन में एक ही विचार होता है कि मैं 10वीं पास हो गया मुझे एंड्रॉइड मिलेगा, मैं 12वीं पास हो गया मुझे 350cc की गाड़ी मिलेगी करके। क्या हम इस लक्ष्य को बदल सकते हैं? क्या हम ये लक्ष्य रख सकते हैं कि मैं पढ़ूंगी तो मेरी पहली पगार में से मैं अपने मम्मी पापा को सबसे अच्छा मोबाइल लेकर के दूंगी? क्या हम ये लक्ष्य रख सकते हैं कि मैं अपने पैसे से अपने मम्मी पापा को 4-व्हील खरीद करके दूंगी? आप जिस दिन यह लक्ष्य रख लेंगे ना कि मुझे कुछ करना है, मैं ये मम्मी पापा को आप उपहार दे इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे कुछ करना है, इस दिशा में हम विचार करें, मुझे मेरे पैरों पर खड़े होना है इस दिशा में विचार करें, मुझे किसी से मांगना पड़े इस अवस्था को मैं स्वीकृति न करूं, मैं दाता बनूं, मैं देने की अवस्था में रहूं, मैं मांगने वाला नहीं मैं देने वाला बनूं, इस मानसिकता के साथ आप अपने जीवन का लक्ष्य तय कीजिए। और आपने मैं किसी को कुछ दे सकूं इस लायक बनूं यह लक्ष्य रखाना, आप यकीन मानिए जीवन में आप पीछे नहीं हटेंगे, आप हमेशा देते रहेंगे, परिवार को भी देते रहेंगे, समाज को भी देते रहेंगे, राष्ट्र को भी देते रहेंगे, और जिसमें दातृत्व की भावना हो उसमें विनम्रता अपने आप आ जाती है, और जो विनम्र है वो टूटता नहीं है, झुकता जरूर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। किसे कहते हैं कि बेटियां तो है लम्हा खुशी का, सच में बेटियां, अगर किसी घर में बेटी हो गई तो बहुत खुशियां मनाई जाती है। कहते हैं कि साक्षात लक्ष्मी माँ आती है बेटियों के साथ ही और बहुत सारी खुशियां लेके आती है, ऐसा ही कुछ अभी हमने बॉन्ड में भी देखा। और यूजुअली लड़कियां जो है वो बहुत ज्यादा अपने पापा से क्लोज होती है, और हमने यहाँ पे देखा भी, और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से एक लड़की अपनी माँ भी बन जाती है, बेटी मतलब माँ अपने पापा की माँ भी बन जाती है और किस तरीके से उनसे उनकी केयर लेगी। तो ऐसे ही कुछ किस्से और ऐसी कुछ कहानियाँ जो आज हम BCN पर दिखा रहे हैं उनको देखते रहिए और एंजॉय कीजिए।